हेलो एवरीवन, इसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पेपर पे नायरा सूट की कटिंग बताएंगे। बहुत लोग को नायरा सूट की कटिंग करना नहीं आता है, तो पहले वो पेपर पे सीख ले, सेम इसी तरीके से आप कपड़े पे भी कर लेंगे, केवल उसमें आपका नाप अलग रहेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तीन पेपर ले लिए हैं, दो पेपर को बगल में रख लेना है। यहाँ पर एक पेपर ले लिए हैं, इसे अच्छी तरीके से फैला लेना है और फैला के अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। पेपर को पहले डबल फोल्ड में रख लेना है। डबल फोल्ड को एक फोल्ड और करेंगे तो टोटल हमारा चार फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से हम चार फोल्ड में रख लिए हैं। इसे हम आपको खोल के दिखा देते हैं। एक, दो, तीन, चार, ये ऊपर की तरफ हमारा खुला पार्ट है, नीचे की तरफ से हमारा बंद पार्ट है, और इस तरफ हमारा खुला पार्ट है, इस तरफ हमारा बंद पार्ट है पेपर का। पहले हम ऊपर का पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद हम घेरा कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये देख लीजिए, ऊपर के पार्ट के लिए हम पेपर ले लिए हैं, पेपर को चार फोल्ड में रख लिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी लंबाई है फिटिंग 12 इंच। 1 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे, आधा इंच नीचे की तरफ से, आधा इंच ऊपर की तरफ से सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर देख लीजिए, 12 हमारा फिटिंग पे निशान लग चुका है, 1 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन पे निशान लग चुका है। अब इस निशान को सीधा मिला लेना है। सेम इसी तरीके से नीचे वाले भी निशान को मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लंबाई पे निशान लग चुका है। अब ऊपर की तरफ से हमें शोल्डर पे निशान लगा लेना है। शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच। सेम इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ से 5 इंच पे निशान लगा लेना है, और यहाँ पर हमें आर्मोल भी 5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब आर्मोल के इस तरफ निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, निशान लग चुका है। आर्मोल पे हमें गोलाई का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आर्मोल पे हम गोलाई का शेप दे दिए हैं। गले पे हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ से यहाँ पर हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ से 2 इंच, नीचे की तरफ से भी 2 इंच। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, निशान मिल चुका है। अब यहाँ पर हमें गोलाई का शेप दे देना है। तो ये हमारा आगे गले पे निशान लग चुका है, अब हम पीछे गले पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पीछे गला हम रखेंगे 3 इंच। इस निशान को सीधा मिला लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें गोलाई का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा आगे गला हो चुका है, ये हमारा पीछे गला हो चुका है। जैसे कि हमारा चेस्ट हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 30 इंच। 30 इंच का चौथा हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 7.5 इंच। तो हमें 7.5 इंच फिटिंग पे निशान लगा लेना है। 2 इंच यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन पे निशान लगा लेना है। हमारा कमर फिटिंग है, यहाँ पर देख लीजिए 28 इंच। तो हमें 28 इंच का चौथा हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंच। तो हमें 7 इंच पे निशान लगा लेना है। 2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन पे निशान लगा लेना है। इस निशान को इस निशान से मिला लेना है, इस निशान को इस निशान से। सेम इसी तरीके से हमें सिलाई मार्जिन वाले भी निशान को मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, निशान लग चुका है हमारे ऊपर के पार्ट में। अब जहाँ से निशान लगा है वहाँ से हमें कटिंग कर देना है। पहले हम पीछे गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुका है। अब इसे फैला लेना है इस तरीके से। यहाँ पर दोनों पार्ट एक में है, इसे कटिंग करके अलग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए अलग हो चुका है। पीछे वाले पार्ट को बगल में रख लेना है। आगे वाले पार्ट को सेम उसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। गले पे यहाँ पर कटिंग कर लेना है, जहां से निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, निशान लग चुका है। आर्मोल में यहाँ पर आधा इंच डाउन कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए, डाउन हो चुका है। ये हमारा आगे का पार्ट हो चुका है, ये हमारा पीछे का पार्ट हो चुका है।
ये दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे हमें बगल में रख लेना है। अब यहाँ पर एक पेपर ले लिए हैं, इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है, फैला के अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। अब इसको इस तरीके से फैला लिए हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से। अगर आप ऐसे फैलाएंगे तो आपको चौड़ाई ज़्यादा मिलेगा, और आप ऐसे फैलाएंगे तो आपको लंबाई ज़्यादा मिलेगा। तो हमें लंबाई ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम पेपर को डबल फोल्ड में रख लिए हैं। डबल फोल्ड को एक फोल्ड और करेंगे तो टोटल हमारा चार फोल्ड हो जाएगा, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो हम इसे खोल के दिखा देते हैं, एक दो तीन चार, पेपर हमारा चार फोल्ड में है। ये हम घेरा के लिए पेपर लिए हैं, जैसे कि हमें देख लीजिए 12 इंच में फिटिंग ऊपर की तरफ से मिल चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 21 इंच फिटिंग है, ये देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा, इस इंसान को सीधा मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है, और उसकी चौड़ाई हमारी थी कमर का 7 इंच। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 7 इंच फिटिंग हो चुका है, 2 इंच यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन भी लिए थे इस तरीके से। अब यहाँ पर बचा कितना है, ये देख लीजिए हमारा 4 इंच बचा हुआ है। तो हमारा 4 इंच 4 × 2 = 8 इंच, 8 इंच हमारा एक्स्ट्रा, 8 इंच हमारा एक्स्ट्रा पेपर है, इसी में से हम प्लेट लगाएंगे 8 इंच में। तो इस पेपर को कहीं से कटिंग नहीं करना है, केवल इस पेपर को यहाँ पर दोनों जो फोल्ड है इसे कटिंग करके अलग कर देना है, खोल देना है पार्ट को दोनों। तो इस तरीके से देख लीजिए हम हल्का से पकड़ते हुए इसे अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा चारों पार्ट खुला हुआ है, 1 2 3 4। अगर आपका कपड़ा है तो, अगर कपड़ा है और ज्यादा है तो उसमें प्लेट लगाने में बहुत ज्यादा कपड़ा लगता है, तो यहाँ पर ज्वाइंट भी कर सकते हैं। एक केवल हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि आपको नायरा सूट की कटिंग कैसे करना है। यहाँ पर देख लीजिए एक घेरा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे भी बगल में रख लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा एक पेपर और बचा था इसे ले लिए हैं, इसमें से हम अस्तिंग कटिंग करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए पेपर को डबल फोल्ड में रख लेना है, डबल फोल्ड को एक फोल्ड और कर लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। टोटल हमारा चार फोल्ड है, हम इसे आपको खोल के दिखा देते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख लीजिए बाजू का लंबाई यहाँ 9 इंच, इस इंसान को सीधा मिला लेना है। नीचे की तरफ से यहाँ पर हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है, सेम इसी तरीके से इस इंसान को भी मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए लंबाई पे निशान लग चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमें 3 इंच डाउन कर देना है बाजू को, और यहाँ पर बाजू का शेप दे देना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए बाजू का शेप दे दिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 इंच हमारा फिटिंग है, 1.5 इंच यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन दे देना है। यहाँ पर देख लीजिए 5 इंच हमारा फिटिंग है, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन दे दिया है। इस इंसान को इस इंसान से मिला लेना है, इस इंसान को इस इंसान से। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका, जहां से निशान लगा वहां से बाजू को कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रैप पेपर को बगल में रख लेना है, बीच में एक कट लगा लेना है। अब इसे हम आपको फैला के दिखा देते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से पेपर हमारा डबल में है, जैसे कि हमारा बाजू डबल में है। अब यहाँ पर 1/2 इंच डाउन कर देना है, ये हमारा आगे की तरफ जो है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम 1/2 इंच डाउन कर दिए हैं, ये हमारा आगे की तरफ आना चाहिए जब सिलाई करते वक्त, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए बाजू दोनों हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है, इस तरीके से बाजू को भी बगल में रख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा पीछे का पार्ट हो चुका है,
ये हमारा आगे का पार्ट हो चुका है, ये हमारा घेरा हो चुका है, ये देख लीजिए इस तरीके से, ये हमारा बाजू हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए बाजू हो चुका है, ये हमारा आगे का पार्ट हो चुका है, ये हमारा घेरा हो चुका है। तो टोटल हमारी नायरा सूट की कटिंग हो चुकी है। समझ में आया हो तो भी कमेंट करें, नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।